हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मियाना हेयर। तो गाइस, मैं अपना फ्लाइट जो है पुणे से लिया एंड दिल्ली पे स्टॉप ओवर था, फिर अभी पहुंच गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट एंड आई एम ट्रैवलिंग टू द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज भूटान। आई एम सुपर एक्साइटेड। माय सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप, दैट इज सोलो, बट नॉट सोलो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद ग्रुप, विद ट्रिप हॉकर से मैंने बुक किया है। तो मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स हैं। सबसे मिली हूँ अभी, सबसे मिलाती हूँ। वैसे हाई हेलो अभी बस होने लगे हैं, तो सबसे मिलाती हूँ। दिस ट्रिप इज गोना बी वेरी एक्साइटिंग क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ऑल ट्रैवलिंग सोलो, वी आर ऑल मीटिंग न्यू पीपल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई को ट्रैवलर। आपका नाम बताइए प्लीज। मयंक फ्रॉम दिल्ली। सो नाइस टू मीट यू। ही इज गोना बी विद अस। And hi, Ganesh from Pune. And hi, Aditi from Mumbai. And hi, Suresh from Delhi. Okay, and he's our driver. He was Jaigaon. Jaigaon se hai. Okay. तो गाइस, अभी हम लोग सब यहाँ पर साथ में इनोवा में बैठ के हम लोग यहाँ से जयगांव जा रहे हैं। तो हाँ, विंडो सीट। तो जयगांव जा रहे हैं। तो जयगांव यहाँ से भैया कितना डिस्टेंस है यहाँ से जाएगा? 180 किलोमीटर, विच विल बी आई थिंक 4 hours ड्राइव फ्रॉम बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि है सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में। तो या बने रहिए व्लॉग में, अभी जर्नी एंजॉय कीजिए। जयगांव चलते हैं। जयगांव इज अ बॉर्डर ऑफ भूटान एंड इंडिया। लेट्स गो। गाइज, अभी हम लोग एक केबी रेस्टोरेंट पे आए हैं। भैया जी हमें यहाँ पर लेके आए हैं। बोला है कि यहाँ पर जो ओनर है वो पहले टिम्बू में काम करता था, तो अभी ये यहाँ पर है। बंगाली रेस्टोरेंट है, तो लेट्स गो, क्या मिलते हैं। तो गाइज, अभी हमने जस्ट यहाँ पर लंच किया है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर हमने मोमोज खाए, मोमोज वर्स रियली गुड। और हम हैं अभी फुलवारी पे, कैनल रोड पे है। तो यहाँ से अभी हम फिर से निकल पड़ेंगे जयगांव के और, विच इज़ अनदर 3.5 hours फ्रॉम हियर। तो चलिए वापस से जर्नी शुरू करते हैं। तो हमने लंच पे, बाकी लोग ने मच्छी खाए थे यहाँ से, बहुत छोटा छोटा मच्छी। तो मैंने पूछा था जो सर्व कर रहे थे, मैंने पूछा था कि नाला से लाए क्या, तो बोलते नहीं ये रिवर है। तो दिस इज अ रिवर, कैनल रिवर, सिक्किम से आ रही है पानी। अभी हम यहाँ पर रुके हैं तीस्ता डैम पे। ये देखिए बहुत सुंदर है, पानी का कलर देखिए, वाओ। हाय, देखिए व्यू कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। कितना सुंदर है कलर पानी का, बट यहाँ पर थोड़ा सा गंदा है। यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, रिवर जो आ रहा है। ये रिवर जो आ रहा है सिक्किम से आ रहा है। सिक्किम से आ रहा है, हिमालय से। हाँ, जैसे ये जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश जाएगा। ये हम पर कंट्रोल वो करके डैम रखा हुआ, डैम बनाया। अच्छा, ओपन हो जाए बांग्लादेश पूरा बाहर जाए। अच्छा, इसलिए कंट्रोल करके रहेगा, डायवर्ट करके रखा है कनाल का रास्ता। ओके ओके ओके, थैंक यू भैया। तो इसीलिए इसको बोलता है तीस्ता डैम यहाँ पर। ओके, ये देख सकते हो ब्यूटीफुल। ये देखिए पूरा चाय पत्ती का खेत है अभी आस पास। पूरा आर्मी का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को द धर्माको के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। द धर्माको प्रोडक्ट का ये जो है 2% कोजिक एसिड फेस सीरम और 1% अल्फा अर्ब्यूटिन जो है, ये सीरम जो है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, कोजिक एसिड जो है हीरो इन्ग्रीडियंट है ये प्रोडक्ट में, एंड इट हेल्प्स हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट हेल्प करता है ठीक करने के लिए। एंड ऑल्सो आपको ये जो है ना रोज यूज करना है। और अल्फा अर्ब्यूटिन जो है वो मेलानिन को हेल्प करता है ठीक करने के लिए। ये प्रोडक्ट में कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड भी है, विच इज़ अ ग्रेट। सबसे पहले तो आप लोगों को फेस वॉश करना है अच्छे से, एंड आई विल एडवाइस यू टू यूज़ द सेम फेस वॉश जो कि है द धर्माको के फेस वॉश यूज़ करना। और 2 to 5 ड्रॉप्स जो है स्किन पे लगा के उसके बाद आपका नाइट केयर, स्किन केयर कर सकते हो। अगर आपका स्किन में अनइवन टोन है और डिस्कलरेशन हुआ तो उसको भी वो प्रोडक्ट हेल्प करता है। ऑल्सो उसके बाद दिस इज 1% कोजिक एसिड बॉडी लोशन है। तो मैंने इतने सारे बॉडी लोशन यूज़ किया है लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें कोजिक एसिड है, विच इज़ सो ग्रेट, राइट। सो इसमें 1% डेली ग्लो कोजिक एसिड है जो कि आपको
बॉडी सीरम लोशन है वो भी स्किन रेडियंस के लिए. तो फेस के लिए तो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं बट बॉडी के लिए कहाँ आते हैं. सो इसीलिए दिस इज वेरी ग्रेट, आप लोग जरूर ट्राई आउट करना. अगर आप लोगों का भी बॉडी में ऐसा है सन टैन हो गया या अनइवन टोन है तो जरूर ट्राई आउट करना, क्योंकि कोजिक एसिड जो है डिसकलरेशन को भी बहुत इवन टोन लाता है स्किन का. एंड ऑल्सो इसमें भी अल्फा आर्ब्यूटिन है विच इज ग्रेट फॉर मेलानिन. एंड ऑल्सो इसमें विटामिन सी भी है. यू नो गाइस विटामिन सी कितना अच्छा है फॉर आर बॉडी एज वेल एंड फॉर आर स्किन एज वेल. तो जरूर ट्राई आउट करना. एंड ऑल्सो गाइस अगर आप लोग जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देंगे उसको क्लिक करके ऑर्डर करेंगे तो जरूर यूज माई कूपन कोड YAM2022, आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प along with Bhumi to educate. They have pledged to educate 10,000 plus students every year. So, which is very great. So, zaroor try out karna these products. All the links will be in my description box below. Zaroor try out karna. It is also available in Amazon, Nykaa, Flipkart and the Dharmaco website. So, try out guys. तो गाइस अभी जर्नी करते करते मैं तो सो गई थी बिकॉज इट लास्ट नाइट मतलब आज सुबह का फ्लाइट जर्नी जो थोड़ा टायरिंग था मेरा, मैं नहीं सो के आई थी तो इसलिए मैं रास्ते में सो गई. अभी हम रास्ते में यहाँ पर आए हैं तेलीपारा, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं, यहाँ पर स्पेशल चाय ऑर्डर किए हैं, देखते हैं क्या स्पेशल यहाँ के चाय का. तो चाय पी के फिर यहाँ से और एक घंटे डिस्टेंस का दूरी पर है हम जयगांव पहुँचेंगे जो कि है इंडिया और भूटान बॉर्डर. वेरी एक्साइटेड टू रीच देयर बिकॉज मतलब हम लोग सुने हैं कि वहाँ पर हम लोग होटल पे जयगांव पे रहेंगे लेकिन वहाँ से हम लोग जा सकते हैं भूटान अंदर जा सकते हैं बॉर्डर के अंदर. तो शाम को मार्केट वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए पहले चाय पीते हैं थोड़ा मूड फ्रेशन अप कर लेते हैं अभी सोते उठे में. ये है योहो टी जोन, हम लोग सब यहाँ पर चाय पियेंगे अभी. तो ये देखिए गाइस हमारा स्पेशल चाय आ गया है, लुक्स सो गुड. कौन सा हमारा है ये आपका ये वाला. अच्छा ठीक है. ये देखिए ये स्टॉल का नाम है दबरी चाय, दबरी टी. इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मैंने इतना पी लिया. सो गुड, इतना रिफ्रेशिंग है चाय ना. अच्छा है ना, नाइस ना. चीयर्स. तो गाइस अभी फाइनली हम लोग जयगांव पहुंच गए हैं और उस साइड पे देख सकते हो वो जो बॉर्डर है वहाँ पर उसके पार में भूटान है और यहाँ पर इंडिया है. तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर ये है हमारा होटल, होटल शीतल रेसिडेंसी, यहाँ पर हमारा सामान रखेंगे, फ्रेशन अप हो जाएंगे एंड देन हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे वॉक करके भूटान जाएंगे. ओ वाओ सो नाइस. तो गाइस फाइनली हम लोग होटल में चेक इन कर लिया है. लेट मी शो यू गाइस मेरा रूम टूर एंड आई एम शेयरिंग दिस रूम विद अदिति, आई शो यू. तो ये रहा हमारा रूम, चलिए रूम टूर देते छोटा सा. तो हमारा ये जो शीतल होटल जो है ये जो है जयगांव में है, जस्ट बिसाइड द बॉर्डर में है, भूटान इंडिया बॉर्डर. तो सिंपल सा रूम है, दिस इज माय बेड, दिस इज अदिति'स बेड एंड यहाँ से विंडो है, टीवी एंड यहाँ पर सिटिंग एरिया एंड देन दिस इज द कबर्ड एरिया एंड मिरर एरिया. वाओ इतना बड़ा मिरर है, अच्छा है एटलीस्ट अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो सकता है. एंड दिस इज द वॉशरूम. सो या डिसेंट एंड नाइस, सुपर सुपर सिंपल एंड नाइस. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अदिति वंस शी कम्स. हाय अदिति. सो हम दोनों रूम पार्टनर बनने वाले हैं जितना भी हम लोगों का भूटान का ट्रिप होगा. सो अभी हम लोग फ्रेशन अप हो जाएंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गो भूटान जो कि है जस्ट वन स्टेप अवे, आई मीन यहाँ से 150 मीटर अहेड में जो गेट है वो है. सो हम लोग वो गेट पे जाएगा अभी, वी वोंट फ्रेशन अप डायरेक्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी बज रहा है 6:13 और वहाँ पे अभी बज रहा है 6:43 जो कि है 30 मिनट्स आगे है भूटान जो है. तो हमको 8 बजे से पहले जाना है एंड वहाँ पर 10 रुपये लगता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. सो या वी हैव टू गो, सो वी आर इन अ हरी नाउ और 9 बजे से पहले वापस आना नहीं तो हम लोग भूटान में बॉर्डर में स्टक हो जाएगा. इट इज़ लाइक दैट. सो सी यू भूटान बॉर्डर, आई मीन भूटान पे अभी. तो गाइस ये देखिए ये है इंडिया और आप लोग यहाँ से आएगा तो ये है भूटान का गेट, इसके अंदर जाने से भूटान और यहाँ पर इंडिया, दिस इज सो नाइस. बॉर्डर में खड़ा है तो हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए उधर गेट नंबर 3 पे. तो वहाँ पे इमिग्रेशन करने के बाद फिर हमको वापस यहाँ पे आके पासपोर्ट दिखा के जाना है. यहाँ जाते समय निकाल लेना फोटो. तो मैंने पासपोर्ट लेके आया है, आप लोग अपना वोटर आई डी भी ला सकते हैं एंड हम लोगों का इंडियंस का 1200 पर डे चार्जेस होता है स्टे का भूटान में. सो इसीलिए हम लोग जयगांव में रह रहे हैं आज और भूटान में जाके घूम सकते हैं. तो गाइस यहाँ से स्कैन करके 10 रुपये दे के हमको आगे जाना है
और अभी वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तो गाइस हम लोग भूटान आ गए हैं, सो विच मीन्स वी आर इन भूटान नाउ। अभी यहाँ से बाहर निकलते ही हम लोग पहुँच जाएगा, वी डिडंट गो फ्रॉम दैट गेट। और हमने स्टैम्प भी नहीं लिया, वी जस्ट हैव टू शो आवर पासपोर्ट एंड देन 10 रुपये पे किया, दैट्स इट। इमिग्रेशन इस साइड पे है। गाइस पेडेस्ट्रियन टर्मिनल है, यहाँ से हमने अभी अभी इमिग्रेशन कर लिया और हम पैर रख लिया है लिटरली भूटान पे। कैसा लग रहा है दीदी बताइए? इतना साफ, इतना सुंदर और इतना क्लीन है। हाँ क्लीन लग रहा है। अभी अभी हम कहाँ थे इससे पहले? पुंशेलिंग में है ये। ओके ओके, इससे पहले विवेन जाएगा। तो मैं बोल रही थी नॉट फीलिंग लाइक वी आर इन भूटान, क्योंकि हम लोग सिमिलर है देखने के लिए यहाँ पे जो है। अभी अभी तक तो ऐसा लग रहा है आते ही नोटिस में है जैसा लगता है, बिकॉज वी लुक सो मच सिमिलर। तो लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो डिफरेंस ये है कि हाँ हम लोग अभी अब्रॉड में आ गए हैं एंड इतना क्लीनलीनेस है यहाँ से स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है, एक कचरा भी नहीं है। और जैसे जयगांव में था तो इतना कचरा था, बट यहाँ पे बिल्कुल कचरा नहीं है। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे एक है। आई कॉन्ट कम्प्लेन बिकॉज या नो आई मीन लाइक मैं नहीं उठा रही हूँ ना कचरा अभी खुद, सो आई कांट कंप्लेन। बट या लाइक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट यहाँ पे ना, नॉट लाइक मुंबई। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये रूल्स है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही जाना है, इंडिया के जैसा नहीं है। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर का मीम नहीं आता, एक तरह से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए। सो वी आर इन भूटान, ओह माय गॉड, न्यू कंट्री, आई मीन अब्रॉड में हम लोग। We are in abroad. Do you believe it? No, I don't believe it. Yeah, so rules अलग है। हाले कुची कुची। कुची कुची। तो ये देखिए guys, building structures लोग भी कितना सुंदर है, बिल्कुल different and the roads are so clean, so beautiful. अभी हम जा रहे हैं, हाँ? Wow, it's I think a monastery. या लेट्स गो। कल तो पता नहीं वो कितना रोकने वाला है। चलो तो हम लोग यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जाएंगे। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ मोनेस्ट्री। वाह, तो गाइस ये देखिए हम यहाँ पर एक मोनेस्ट्री पर आया है। रैंडमली ऐसे रास्ते से क्रॉस वॉक करते करते यहाँ पर आ गया है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो द नेम बट इट्स ब्यूटीफुल, सो पीसफुल हियर। इट्स सो पीसफुल हेयर और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं दूसरा कंट्री, ऑलमोस्ट दूसरा कंट्री में हूँ। मतलब आई एम इन भूटान, बट अभी तक मुझे वो वाइब नहीं आ रहा कि आई एम इन अब्रॉड। मे बी थिम्पू वगैरह साइड, पारो वगैरह साइड जाने के बाद थोड़ा लगेगा, बट येस वी डू शेयर सो मेनी सिमिलैरिटीज इंडिया के साथ में भूटान एंड एज वेल हम लोग नॉर्थ ईस्टर्नस लोग बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं विथ भूटान। सो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों की जगह पे आई हूँ, ऐसा कुछ मतलब इतना डिफरेंस नहीं लग रहा है ऑब्वियसली। एंड या इट्स फीलिंग, दिस फीलिंग इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैं बहुत पहले से मैं भूटान जाने का मैं सोचती थी बट कभी मौका नहीं मिला था, बट फाइनली आई एम हियर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आज का व्लॉग जो है बहुत ही नॉर्मल, बिकॉज मैं जस्ट भूटान पहुंची हूँ। आई मीन या वी आर स्टिल स्टेइंग इन जयगांव एंड आज बस भूटान, बस अभी पार्शल इमिग्रेशन करके आया है एंड कल हमारा अच्छा से इमिग्रेशन होगा, बिकॉज कल से हम लोग भूटान में रहने वाले हैं। सो मे बी कल से मुझे ऐसा फील हो सकता है कि आई एम इन भूटान, सो या आई एम इन डिफरेंट कंट्री, ऐसा फील हो सकता है। सो आज के लिए तो बस नॉर्मल सा इतना ही जो एक्सपीरियंस हो रहा है आज का, जस्ट ट्रिप मीटिंग ऑल माई ट्रिप मेम्बर्स ऐसा। सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस, मेरा ट्रिप मेम्बर्स जो है सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एंड दे आर ऑल वेरी फ्री फ्रैंक एंड इतने सारे बातें किया हम लोग, इतने सारे हम लोग एक दूसरे के बारे में जाना, इट्स सो नाइस टू यू नो। मैं सोलो ट्रिप में हूँ बट स्टिल आई एम नॉट इन अ सोलो ट्रिप, बिकॉज आई हैव मेट लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स एंड एज वेल आई गो टू कनेक्ट विद देम, और बहुत सारे कुछ जानने मिला है, लॉट ऑफ न्यू नॉलेज एज वेल। सो या सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, सो बने रहिए वीडियो में। चलो लेट्स गो। सो हाय Hi. How are you feeling today? All good. Like the saddest part was we are staying at Jaigaon instead of this beautiful place. This is called Phunchling. Yes, no? It's called Phunchling. And
really good. Well, it's like 200 meters apart, and there's a drastic change of environment. So clean as compared to Jaigaon. As compared to India, it seems. Yeah, so I would request all the viewers of Tawa to stay in Food Chilling, not in Jaigaon. Not in Jaigaon from the day one, right? Correct. Yeah. Yeah. It's worth spending the money out here rather than spending money out there. Yeah. तो अभी हम जा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे कैफेज एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू ईट इंडियन क्विजिन वी वांट टू ईट ना ट्राई भूटानीज क्विजिन सो लेट्स सी हमें क्या मिलता है डिनर के लिए तो गाइस ये देखिए स्ट्रीट अभी हम लोग यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं कुछ कैफेज हंट करने के लिए तो ये गाइस देखिए हम लोग मार्केट में हैं वी आर हंटिंग फॉर अ नाइस ऑथेंटिक रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोगों को भूटानीज क्विजिन जो है खाने मिलेगा क्योंकि आज हम लोगों को डिनर में वही ट्राई करना है एंड आप लोग देख सकते हैं रास्ते कितना क्लीन है बिल्कुल कचरा नहीं दिखेगा आप लोगों को इट्स सो क्लीन मिनीसो है यहाँ पे देखिए मिनीसो स्मेल सो गुड समथिंग चीज़ वाला नो लेट्स सी मिलता है कि नहीं Yeah, having cheers. Soju. Cheers. First day in Bhutan. Cheers. Cheers, guys. Cheers. So, let's see. अभी सबसे मिलाती हूँ तो फाइनली हम डिनर ऑर्डर किया है दिस इज राइस एंड दिस इज शामुदाची जो कि है सम कैप्सिकम सम वेजिटेबल्स एंड सम मशरूम एंड यहाँ पे एक चटनी है सो या दिस इज हाउ इट लुक्स या इट्स मेड ऑफ चीज सो हम लोग सब डिनर कर रहे हैं साथ में तो गाइस हमने यहाँ पर अभी डिनर कर लिया टाइम्स किचन जस्ट रिमेंबर दिस वन वेरी वेरी रिकमेंडेबल इट वॉज नाइस ना वेरी नाइस इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दिस मोनेस्ट्री हम ये मोनेस्ट्री में घुस के फर्स्ट भूटानीज फूड एंड वी ऑल लव्ड इट सब लोग बहुत खुशी खुशी यहाँ से वापस जा रहे हैं पीच सोजू दैट इज लाइक यहाँ कोरियन बट स्टिल दैट वाज स्टार्टर एंड देन हम लोग वहाँ से वी टुक स्टार्टर एंड हमने दाची खाया मशरूम दाची एंड देन स्पिनिश दाची इट वाज नाइस तो बाय द वे अभी तक हमने बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं किया वी क्योंकि इंडियन करेंसी जो है यहाँ चलता है तो बट एनीवे यू वांट टू सी हाउ भूटानीज करेंसी इज राइट सो ही इज विड्रॉइंग और यहाँ पर है बीओबी बैंक लेट्स सी बैंक ऑफ भूटान कितना कैश निकलता है लेट्स सी 500 रुपीस 300 फॉर दिस ट्रांजैक्शन या दैट्स लाइक यू आर विड्रॉइंग और उसको 300 रुपए चार्ज होगा डोंट टेक इट आउट कैंसिल डजंट मेक सेंस या बिकॉज वी आर लिविंग इन जयगांव सो वी विल टेक इंडियन करेंसी सो जस्ट ट्राई करना था या यू कैन स्टिल विद्रॉ कैश बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जयगांव से जो भी चाहिए आप लोगों को वहां से लेके आ जाइए अपना पासफोटो दो लेके आइए और अपना जो वीजा सॉरी पासपोर्ट है उसका स्कैन कॉपी उसका कॉपी जेरॉक्स कॉपी दो लेके आइए एंड देन उसके बाद कैश जो है जितना चाहिए उतना आपको कितना लगता है लेके आइए 10-15 हज़ार लेके आइए बिकॉज यहाँ पर जैसे देखा आप लोग ने अभी हमने 500 रुपये निकालने किया तो 300 चार्ज लगता है सो विच इज़ like doesn't make sense so aap log leke aana 60%
सो जरूर आप लोग वहाँ से हर चीज लेके आइए, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट विथड्रॉइंग कैश हियर. Hey, it's closed. We were supposed to have dessert here, but anyway, it's closed. And यहाँ पर time हो रहा है 9:17. Let's go back. So guys, घूम फिर के हम लोग वापस pedestrian terminal पे पहुँच गए. ये देख सकते हो. अब यहाँ से हम लोग वापस घुस के वापस इंडिया चले जाएंगे. तो कल हम लोग proper immigration करने के लिए आएंगे. Yeah, we are going back now. Because हाँ, जब immigration हाँ partial immigration कर रहा होता है तो कुछ ऐसा scanner देते हैं phone में. So we have to show this now. So thank you. तो अभी हम जा रहे हैं वापस इंडिया. तो व्हाइल गोइंग वी हैड टू पे 10 रुपीज एंड व्हाइल कमिंग बैक वी हैव टू पे 10 रुपीज. अभी हम निकल रहे हैं वापस इंडिया. दिस इज इंडिया अगेन. तो गाइस यहाँ पर है भूटान एंड यहाँ पर है इंडिया. हम आ गए हैं इंडिया में. ये देखिए वापस आ गया. एंड जैसे ही आते हैं ये देखिए डिफरेंस देखिए. या फिर इतना कचरा है. डिफरेंस देखिए इतना कचरा है. अदिति अदिति डिफरेंस देखो ना कितना कचरा है. सो सैड. सो सैड यार. बट जैसे भी है आई लव माई कंट्री आई लव माई इंडिया. बट आई होप हमारा इंडिया भी है अपना 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 जगह को प्यार करे और ऐसा कचरा ना करे अपना अपना. क्योंकि लोकल के ऊपर डिपेंड करता है. वो देखिए गेट है भूटान का गेट. कल हम यहाँ से जाएंगे तो हम 1 वीक का इमिग्रेशन कर लेंगे. अभी के लिए जो था यहाँ से गया था दैट वॉज फॉर जस्ट कुछ आवर्स के लिए. हम लोग पार्शल इमिग्रेशन करके गए थे जस्ट मार्केट घूमने के लिए. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट ये देखिए तो हमारे जैसे कि जय गाँव है तो जय गाँव के लोकल लोगों को अपना जगह को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ऐसे मदर नेचर यहाँ में कचरा का जो है सिस्टम मोटी करना चाहिए. और जैसे कि हम अपना अरुणाचल हो गया तो वैसे अपना अपना स्टेट को है प्रोटेक्ट करना चाहिए. क्योंकि हम लोग सब लोग मतलब इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. इट बिकम्स वेरी हार्ड टू मेंटेन. तो क्या होता है कि लोकल लोगों को करना है अपना अपना जगह से प्यार करना है और सिस्टम बनाना है ऐसा कचरा नहीं करना है. सो यहाँ वी आर बैक हेयर इन होटल. अभी रूम जाएंगे और मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगी. रेस्ट करना है. इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग डे. तो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ. मैं ब्लॉग ख़त्म करने भूल गई थी और मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी और मेरा रूममेट जो है वो सो गई है. तो मैं टॉयलेट में आके ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ. इट्स सो वियर्ड. बट एनीवे ये आज का दिन के लिए बस इतना ही. कल का दिन प्रॉपरली हमारा भूटान एंटर होगा एंड कल का दिन से अच्छे से भूटान का ब्लॉग बनेगा. तो आज का ये नॉर्मल ट्रैवल जर्नी वाला ब्लॉग था एंड मीटिंग सो मेनी पीपल न्यू फ्रेंड्स एंड या सो मेनी थिंग्स. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं बाथरूम में वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ. बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.